नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसके अपने इस वीडियो में। आज के दिन बाजारों में तूफानी तेजी देखने को मिली। निफ्टी ने नए लाइफ हाई 20,000 के पार के लेवल जो है मार्केट में आज के दिन देखने को मिले। और कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक के स्टॉक के बारे में जब हम बात करने वाले हैं आज के दिन, तो बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा आउट परफॉर्मर बनता हुआ दिखाई दिया। प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक के स्टॉक आज 1,000 रुपए के पार पहली बार जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। फर्स्ट टाइम ये स्टॉक जो है 1,000 का लेवल पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे 2% की तेजी के साथ 1,000 रुपए 40 पैसे पे लेवल पे क्लोज होता हुआ दिखा। और यहाँ पे आज इंट्राडे और लाइफ टाइम हाई 1,004 रुपए का आज के दिन लगता हुआ दिखाई दिया। सुबह से स्टॉक जैसे ही खुला तो यहाँ पे आपको एक अच्छी मजबूती थी। दिन भर हमने देखा मार्केट में एक शानदार रिकवरी जो है पहले ही दिन बनती हुई दिखाई दी, क्योंकि जिस तरीके से कल के दिन G20 की समाप्ति हुई उसके बाद से कहीं ना कहीं पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिख रहा है। और निफ्टी ने भी उसको एंजॉय किया। सुबह से निफ्टी बैंक निफ्टी सारे सेक्टर इंडाइसेस सारे बैंकिंग स्टॉक्स छोटे मझोले जितने भी स्टॉक्स थे वहां पे आपको एक अच्छी बाइंग रुझान देखने मिला। एक्सिस बैंक भी आज यहाँ पे मगर देखे तो वॉल्यूम बहुत ही शानदार होते हुए दिखाई दिए। 71,24,716 शेयरों के वॉल्यूम थे आज के दिन यहाँ पे। और जैसे ही 2:30 बजा उसका जैसे ही 990-995 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था इसके लिए, वो लेवल पार हुआ तो आपको एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी। और आखिरी आधे घंटे में इस स्टॉक ने 1,000 के लेवल को फाइनली क्रॉस किया और उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। अगर आप इस स्टॉक की वैल्यूएशन देखते हैं तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में आपको इसकी वैल्यूएशन एवरेज देखने को मिल रही है। जहाँ सेक्टर P24 के आसपास का है वहीं पे इसकी भी P/E ऑलमोस्ट 24.6 के आसपास की देखने मिल रही है। EPS इसके ऑलमोस्ट 40 के आसपास की है और मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के पार निकलता हुआ दिख रहा है। 3,08,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। प्राइस टू बुक देखें तो 2.38 के आसपास का कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरीके से 2019-20-21 के आसपास कहीं ना कहीं एक देखने को मिल रहा था प्रॉब्लम कि ग्रोथ ज्यादा बढ़ी नहीं थी, लेकिन पिछले 1-2 सालों में यहाँ पे एक्सिस बैंक के स्टॉक को अगर आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है प्रॉफिटेबिलिटी में देखने मिल रही है। 2020 में यहाँ पे इसका साल भर का नेट प्रॉफिट 1,880 करोड़ था जो कि 21 में बढ़ के 7,252 करोड़ हो गया। 2022 में 14,164 करोड़ और 2023 में आप देख रहे हैं 23,342 करोड़। तो बहुत ही शानदार जंप जो है वो आपको कहीं ना कहीं आता हुआ दिख रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में। और इसका साफ इंपैक्ट जो है कि अब ये स्टॉक जो है आपका आउट परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत लंबे समय से स्टॉक जो अंडर परफॉर्मेंस में था, लेकिन अब अगर आप पिछले 1-1.5 सालों से देख रहे हैं तो ये स्टॉक में आपको एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। लगातार 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च के महीने में जो है यहाँ पे आपको गिरावट देखने मिली थी, 800-850 के आसपास का एक गैप था फिल किया, 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और वहीं से रिकवरी करता हुआ दिखाई दिया। पिछले 2-3 महीनों से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 990-995 वो लेवल था जो कि एक रेजिस्टेंस बनता हुआ इस स्टॉक के लिए दिखाई दे रहा था। वहां पे लगभग मल्टीपल टाइम जाने की कोशिश की, 1, 2, 3 और 4 बार, लगभग 4-5 बार, लेकिन वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन नीचे की तरफ देखने मिला। हालांकि कोई बहुत बड़ा डीप करेक्शन नहीं हुआ, 4 से 5% का करेक्शन देखने मिला। 940 रुपए के आसपास इस स्टॉक ने बेस बनाया और उसके बाद फिर से एक रिकवरी देखने मिली और फाइनली आज 990-995 का जो एक रेजिस्टेंस जोन था उसको पार करके 1,000 रुपीज के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर जाके बंद होने में कामयाब रहा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं आज वॉल्यूम भी अच्छे खासे थे, रेजिस्टेंस पार हुआ तो कहीं ना कहीं अब ब्लू स्काई जोन में जाने की कोशिश ये स्टॉक करता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे अब जो है 990 एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा जो कि अभी तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो किसी भी कारण से अगर यहाँ पे आपको 990-995 के आसपास तक के लेवल देखने मिलेंगे तो डेफिनेटली वहां पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है या फिर आपको वहां पे एक अच्छी खासी बाइंग जो है वो भी आपको बनती हुई दिख सकती है। जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे निकलने की चाहेंगे कि अब वो फंसना नहीं चाहेंगे। मार्केट अगर जिस तरीके से ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है, आज देखा निफ्टी में एक अच्छे लाइफ हाई लगते हुए दिखाई दिए। अब बैंक निफ्टी में नए हाईस अगर लगने हैं तो एक्सिस बैंक को भी परफॉर्म करना होगा और अब देखना होगा कि बैंकिंग स्टॉक किस तरीके से आउट परफॉर्म कर सकते हैं निफ्टी को आने वाले कुछ दिनों हफ्तों में। तो कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक जो है इसका बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। तो अब ये स्टॉक 1,050-1,100 की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। क्या लगता है दोस्तों, कहां तक के टारगेट जो है इस रैली में आपको एक्सिस बैंक दिखा सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।